व्यू टावर भी। देखिए सामने में पार्क है और पार्क तो बहुत ही खूबसूरत है, लेक के अंदर जा सकते हैं। चीड़ के पेड़ को अंग्रेजों ने नेत्रहाट में पहाड़ी क्षेत्रों से ला के लगाया था। देखिए सामने में नेत्रहाट स्कूल। क्या नाम है तुम्हारा? क्या शान शौकत की जिंदगी रहा करती थी अंग्रेजी शासन काल में। अंग्रेज अधिकारी की बेटी थी। वास्तव में नेत्रहाट प्राकृतिक की गोद में बसा हुआ है। देखिए यहाँ पहाड़ी बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं और इन क्षेत्रों में बहुत सारे आदिवासियों का गांव है। खासकर आदिम जनजातियों का कल्चर देखने लायक होता है। आज का दिन हम लोग टाइम लैप्स से शुरुआत करते हैं। देखिए उगता हुआ सूरज बहुत खूबसूरत दिखाई देता है और ऐसा उगता हुआ सूरज को आप नेत्रहाट से ही देख सकते हैं, जो हमारे झारखंड से लगभग 162 किलोमीटर की दूरी पे है। यह दिन देखने के लिए आपको 5:30 बजे ही आ जाना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे 5 बजे ही आ जाते हैं। अगर आप लेट कीजिएगा तो आपको पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलेंगे। देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पे सुबह 5 बजे से ही खड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा रश है। देखिए छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और देखिए बहुत खूबसूरत दिखाई देता है यह सीन। ओ गोल सा, हाँ भी ठीक बोले। यह देखने के लिए हमारे देश से कोने कोने से लोग आते हैं। देखिए हजारों की संख्या पे यहाँ पे लोग आए। नमस्ते इंडिया, आप लोगों का नेत्रहाट से स्वागत है। अभी हम लोग नेत्रहाट के प्रभात विहार होटल के कैंपस में हैं, क्योंकि प्रभात विहार होटल के कैंपस को सनराइज का पहला पॉइंट माना जाता है। और देखिए सामने में प्रभात विहार होटल बहुत ही खूबसूरत होटल है और सबसे अट्रैक्शन प्लेस है, और साथ में इसका कैंपिंग साइट भी है प्रभात विहार होटल का। आप प्रभात विहार होटल के साथ साथ नेत्रहाट में बहुत सारे रिजोर्ट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, होटल देखने के लिए मिल जाएंगे, लॉजेस देखने के लिए मिल जाएंगे और होम स्टे भी देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आप इन होटल्स में, रिजोर्ट में आप विजिट कर सकते हैं और नेत्रहाट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। प्रभात विहार होटल को पहला पॉइंट माना जाता है सनराइज के लिए, और दूसरा पॉइंट है कोयल व्यू पॉइंट। देखिए यहाँ पे पार्क बनाई जा रही है और ऊपर में आपको जो दिखाई दे रही है रेस्टोरेंट बनाई जा रही है। आप पार्क का टिकट लेके आप ऊपर आ सकते हैं और यहाँ से भी आप उगता हुआ सूरज को देख सकते हैं। यहाँ से सूरज उगता हुआ बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है और इस ओर देखिए यहाँ पे व्यू टावर बनाई गई है। ऊपर से नज़ारा देखिए बहुत ही खूबसूरत बनाया जा रहा है और यहाँ पे देखिए व्यू टावर भी बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही है, और ऊपर से देखिए नीचे का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। देखिए आप जब भी नेत्रहाट आते हैं तो आप पार्क का टिकट लीजिए और इस व्यू पॉइंट से आप कोयल नदी को देखिए और यहाँ से आप सनराइज़ को भी देख सकते हैं। देखिए सामने में पार्क लगभग बन के तैयार हो चुकी है। वास्तव में यह बहुत ही खूबसूरत पार्क है। वैसे आप वन विभाग के इस गेस्ट हाउस में भी रुक सकते हैं। देखिए सामने में यहाँ पे गेस्ट हाउस है और इधर पे ट्री हाउस भी है। इधर देखिए सामने में देखिए यहाँ पे कैंपिंग साइट है और यहाँ सामने में एक व्यू टावर भी दिखाई दे रही है। देखिए सामने में लेक व्यू रिजोर्ट है, आप इस रिजोर्ट में भी रुक सकते हैं और इसका प्राइस मात्र 1500 रुपया से लेके 2000 रुपया के बीच है। सामने में कंटेनर का प्राइस है 2500 रुपया, इसका 2000 रुपया और इसका 3500 रुपया प्राइस है। देखिए सामने में पार्क है और पार्क तो बहुत ही खूबसूरत है। आप जब भी यहाँ पे आते हैं तो पार्क घूम सकते हैं, साथ में लेक व्यू का भी आनंद ले सकते हैं। देखिए सामने में लेक है और इस ओर पार्क है और आप लेक में बोटिंग भी कर सकते हैं और बोटिंग के माध्यम से आप लेक के अंदर जा सकते हैं। देखिए बहुत ही खूबसूरत लेक है देखिए सामने में, और इस ओर हमारी सिटी है नेत्रहाट सिटी है, और इस ओर देखिए हमारी पाइन ट्री है, पाइन ट्री भी बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही है। देखिए सामने में पाइन ट्री के जंगल बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं और इस जंगल में आपको खाली चीड़ के पेड़ ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि चीड़ के पेड़ को अंग्रेजों ने नेत्रहाट में पहाड़ी क्षेत्रों से ला के लगाया था, क्योंकि चीड़ के पेड़ हमेशा 2500 मीटर की हाइट से ऊपर में बढ़ते हैं, लेकिन नेत्रहाट उस हाइट में नहीं है। इसीलिए आप जब भी पाइन ट्री के जंगल देखिएगा तो आपको नीचे में सखुआ के पेड़ ही बढ़ते हुए दिखाई देंगे, लेकिन चीड़ के पेड़ बहुत कम बढ़ते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि नेत्रहाट में चीड़ के पेड़ के लिए अनुकूल वातावरण नहीं मिलती है, इसीलिए यहाँ पे चिड़ के पेड़ उतना ग्रोथ नहीं कर पाती है। देखिए हम लोग नाशपाती के बगान में पहुंच चुके हैं, कोयल व्यू से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पे। और देखिए यहाँ पे नाशपाती के पेड़ की हाइट मात्र 15 से 20 फीट की हाइट होती है, और देखिए सारे के सारे यहाँ पे नाशपाती के बगान ही हैं। और देखिए इसके पत्ते कुछ ऐसे होते हैं, पीपल के पेड़ की तरह होते हैं लगभग। तो आप नाशपाती के बगान में भी आके विजिट कर सकते हैं।
नाशपति का फल हमेशा जून जुलाई के मंथ में लगती है। अगर आप नेत्रहाट जून जुलाई में आते हैं तो नाशपति को फ्री में खा सकते हैं और बागान भी घूम सकते हैं। तो चलिए आप आगे की ओर जाते हैं। अभी हम लोग नेत्रहाट स्कूल के सामने खड़े हुए हैं। देखिए सामने में नेत्रहाट स्कूल, बहुत ही खूबसूरत स्कूल है ये। और इसकी खूबसूरती को देखने के लिए हजारों लोग प्रतिदिन देश विदेश के लोग यहाँ पे आते हैं और विजिट करते हैं। अंदर जाने का तो अलाउ नहीं है, लेकिन दिसंबर मंथ में यहाँ पे अंदर जाने के लिए अलाउ किया जाता है। आप दिसंबर मंथ में यहाँ पे आके अंदर जाके विजिट कर सकते हैं और पूरी तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं। नवोदय स्कूल नेत्रहाट में 1954 में बनाई गई थी और करंट में यहाँ पे 500 स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं और ये स्टूडेंट यहीं के छात्रावास में रहते हैं। देखिए इस और बच्चों के लिए रहने के लिए इधर आश्रम बनाई गई है और बच्चे इस आश्रम में रह के नेत्रहाट स्कूल में पढ़ा करते हैं। तो देखिए इधर का नज़ारा, बहुत सारे यहाँ पे आश्रम बनाए गए हैं और प्रत्येक आश्रम में 30 से 25 स्टूडेंट रह करते हैं। देखिए यहाँ पे बोर्ड लगाया हुआ है, यहाँ से लोधी जलप्रपात 60 किलोमीटर है जो महुआटाड़ रोड में है और महुआटाड़ से लगभग 20 किलोमीटर पड़ जाती है और चुगाबान जलप्रपात यहाँ से 64 किलोमीटर है लेकिन महुआडाड़ से आपको 20 किलोमीटर पड़ जाती है जो डाल्टनगंज रोड में है और मिर्चा जलप्रपात भी डाल्टनगंज रोड में है और यहाँ से 84 किलोमीटर है लेकिन महुआडाड़ से आपको 40 किलोमीटर ही पड़ेगी और बेतला नेशनल पार्क यहाँ से 93 किलोमीटर पड़ जाती है। अभी हम लोग पथेरीपाड़ गांव में हैं जो नेत्रहाट में पड़ता है और नेत्रहाट में आज हमारा दूसरा दिन है। दिनांक है आज 24 तारीख और आज दसवीं का भी दिन है और जो आप पीछे में बैकग्राउंड देख रहे हैं, गांव का बैकग्राउंड बहुत ही खूबसूरत है और इस ओर देखिए नाशपति का पेड़। वास्तव में नाशपति का पेड़ बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। आपको नाशपति का पेड़ आपको हर घर में देखने के लिए मिल जाएंगे और गाँव तो बहुत ही खूबसूरत है। क्या नाम है तुम्हारा? निकल। सामने जो आपको रोड दिखाई दे रहा है ये मंगोलिया सनसेट पॉइंट की ओर जाती है। देखिए सामने में बाजार टाड़ है, इसको बस स्टैंड भी आप बोल सकते हैं। ये नेत्रहाट का मेन पॉइंट है और ये रोड सीधे जाती है रांची की ओर महुआ टाड़ के लिए, सीधे ये रोड है और यहाँ पे बस स्टैंड भी है और सारी बस जब रांची से यहाँ आती है या तो यहाँ से महुआ टाड़ की ओर जाती है सारी बस यहीं पर रुकती है। और इस ओर हमारा नेत्रहाट का सनराइज पॉइंट है और ये रोड सीधे चली जाती है हमारी सनसेट मंगोलिया पॉइंट की ओर। वैसे आज बुधवार का दिन है तो नेत्रहाट में आज बाज़ार लगी हुई है, आज साप्ताहिक मार्केट है। देखिए सब्जी वब्जी की मार्केट यहाँ पे लगना शुरू हो चुकी है। देखिए बहुत सारे किसान अपने अपने सब्जी लेके आ रहे हैं और देखिए ये औरत कुछ सामान लेके आई है अपना और इधर देखिए टमाटर की स्टॉल लगी हुई है। देखिए बाजार टाड़ में यहाँ पे लातेहार टूरिज्म बोर्ड का यहाँ पे बोर्ड लगाया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है सनराइज कितना किलोमीटर है, नेत्रहाट स्कूल कितना किलोमीटर है, कोयल व्यू पॉइंट कितना किलोमीटर है, लोध पोल कितना किलोमीटर है। देखिए यहाँ पे सामने में सारा मेंशन किया गया है। बाजार टाड़ में आपको हर तरह का दुकान मिल जाएंगे, आपको साबुन पानी की दुकान इस ओर है। देखिए सामने में यहाँ पे आपको चावल और रोटी खाने के लिए आपको होटल मिल जाएंगे, आपको चाय नाश्ता के लिए भी यहाँ पे होटल मिल जाएंगे और साथ में देखिए इधर फास्ट फूड की दुकानें भी हैं। यहाँ पे सामने में देखिए ढुसका उसका की दुकानें हैं यहाँ पे और चाउमीन की भी दुकानें हैं, मैगी की दुकानें हैं। इस ओर देखिए यहाँ पे अंडा भुंजा जा रहा है। देखिए सामने में वैसे रांची से नेत्रहाट के लिए 3 बस हैं और आपको नेत्रहाट से लोहरदगा जाने के लिए और लोहरदगा से रांची आने के लिए बस बहुत सारे मिल जाएंगे। ये देखिए सामने में और एक टूरिस्ट प्लेस ये है सलह हाउस। सलह हाउस को अंग्रेजों ने बनाया था, इसे लकड़ी से बनाया गया था, लगभग 104 साल हो चुकी है इस सलह हाउस का कि आज भी यह बहुत खूबसूरती से खड़ा हुआ है, रंग रोगन कर इसे सजाया गया है। देखिए सलह हाउस का ये एंट्रेंस गेट है, जब अंग्रेज रहा करते थे उस समय उन लोग का ये ड्राइंग रूम हुआ करता होगा और यहाँ पे आग जलाया करते थे शायद, उसके बाद धुआं बाहर निकल जाती थी। ये उनका बैठक रूम था। क्या शान शौकत की ज़िंदगी रहा करती थी अंग्रेजी शासनकाल में। अंग्रेजों का इंडियन लोग का ऐसा रहने का लाहौल नहीं था उस समय, ऐसा अधिकार नहीं दिया जाता था इंडियन लोग को, चाहे वह कितनी भी बड़ी अफसर ही क्यों ना हो। ये सारा का सारा लकड़ी का है, बस अभी के समय पर ये दरवाज़ा है या खिड़की है ये थोड़ा सा बेंड हो चुके हैं, थोड़ी सी कमज़ोर हो चुकी है, थोड़ा सा टेढ़ा ही दिखाई दे रहे हैं और दीवार भी थोड़ा सा टेढ़ा दिखाई दे रहे हैं।
हम लोग मंगनोलिया सनसेट पॉइंट पहुंच गए हैं। देखिए यहाँ पे पार्किंग वर्किंग है और यहाँ पे देखिए कुछ गार्डन की तरह बनाया गया है और टूरिस्टों का आना जाना शुरुआत हो चुका है। देखिए यहाँ पे मैं तो अपना बाइक अंदर लेके आ गया हूँ, देखिए सामने में मेरा बाइक है और यहाँ पे होटल वोटल लगती है, बनती है, कुछ पुआ पकवान बनती है, कचौड़ी बनती है, डुसका बनती है, यहाँ पे चना उना का दुकान लगती है, यहाँ पे आलू चाप सब का दुकान लगती है। आप 3 से 4 बजे के बीच में आ सकते हैं, यहाँ पे 3 से 4 बजे के बीच में टूरिस्टों का आना जाना शुरू हो जाता है। आज वेडनेसडे है इसीलिए उतना ज़्यादा भीड़ दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन सैटरडे और संडे में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। आपको यहाँ पे पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलेंगे, ना ही पार्किंग के लिए आपको बाइक या कार के लिए जगह मिलेगी। देखिए कुछ लड़कियां भी आई हुई हैं यहाँ पे, कुछ लेडीज़ भी आए हुए हैं। देखिए सामने, ये देखिए सामने में मंगनोलिया का घोड़ा है और इस ओर मंगनोलिया बैठी हुई है जो एक अंग्रेज अधिकारी की बेटी थी, और नीचे बैठे हुए हैं साथ में उरांव लड़का, उरांव हो सकते हैं कोई भी आदिवासी लड़का हो सकते हैं, दोनों ने यहाँ से सुसाइड कर दिया था। यहाँ पे इसे सुसाइड पॉइंट के रूप में जाना जाने लगा और धीरे धीरे यहाँ पे सनसेट के रूप में जाना जाने लगा और हज़ारों टूरिस्ट यहाँ पे प्रतिदिन सनसेट देखने के लिए आते हैं। और सनसेट इस ओर होगी, अभी लगभग 3 बज रहे हैं शाम में, लगभग 6 बजे सनसेट होती है। देखिए सामने में जो एक घर दिखाई दे रही है, इसमें बहुत सारी पुस्तकें रखी हुई हैं और वास्तव में कुछ पुस्तकें पढ़ने लायक है। अगर आप 3 से 3:30 बजे के बीच आते हैं तो ये पुस्तकों को आप पढ़ सकते हैं और सनसेट को भी देख सकते हैं साथ में और इस लोकेशन को भी निहार सकते हैं। वास्तव में नेत्रहाट प्राकृतिक की गोद में बसा हुआ है। देखिए यहाँ पहाड़ी बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं और इस ओर जंगल देखिए, एकदम जंगल भरे पड़े हैं और इस ओर भी जंगल ही जंगल हैं। और इन क्षेत्रों में बहुत सारे आदिवासियों का गाँव है, खासकर आदिम जनजातियों का कल्चर देखने लायक होता है। तो आप जब भी नेत्रहाट आते हैं तो आदिम जनजातियों के कल्चर को जानने के लिए उनके गाँव की ओर जाइए।